दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद अब मौके से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल फॉलो करने में चूक हुई है। इससे पहले 20 अप्रैल को डीआईजी नक्सल सुंदरराज पी ने भी कहा था कि गर्मियों में नक्सली हमले तेज कर देते हैं। इस बयान को एक हफ्ते भी नहीं गुजरे और बस्तर में बड़ा हमला हो गया। दंतेवाड़ा की धरती एक बार फिर हमारे जवानों की शहादत से लाल हो गई। बुधवार को दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले ने नक्सलवाद के आंकड़ों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वालों को सोचने पर तो मजबूर कर ही दिया है, साथ ही इस घटना ने सुरक्षा और चूक को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चूक कहां हुई, किन एहतियातों को अनदेखा किया गया, ये बताएंगे। उससे पहले डीआईजी नक्सल सुंदरराजन का 20 अप्रैल को दिया ये बयान सुनिए। प्रतिवर्ष गर्मी की अवधि में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके में टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन यानी टीसीओसी कैंपेन के माध्यम से सुरक्षा बल के ऊपर हमला करना एवं अन्य प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देने के लिए कोशिश की जाती है। इसे देखते हुए क्षेत्र में लगातार अंदरूनी एवं सीमावर्ती इलाके में अपना पास उपलब्ध डीआरजी एसटीएफ कोबरा एवं केंद्रीय सैनिक बल तथा स्थानीय सुरक्षा बल को लेकर नक्सलवादी अभियान संचालित की जाती है। तो पहले से ये साफ है कि गर्मी के दिनों में नक्सल हमले तेज हो जाते हैं, तो फिर दंतेवाड़ा में चूक कहां हो गई? अब तक जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक पुलिस कर्मियों के काफिले के रूट की चेकिंग नहीं हुई, काफिले के रूट पर रोड ओपनिंग पेट्रोलिंग नहीं की गई थी। मार्च से जून तक नक्सली टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर जंगल के अंदर पगडंडियों से जाने के बजाय मुख्य सड़क को चुना गया। प्रतिबंध होने के बावजूद कैसे जवानों को चार पहिया वाहन में जाने की इजाजत दी गई? तो ये रिपोर्ट बता रही है कि प्रोटोकॉल को लेकर चूक हुई है। आगे बढ़ने से पहले नक्सल क्षेत्रों में पेट्रोलिंग को लेकर क्या प्रोटोकॉल है इसे भी समझ लेते हैं। जानकारी के मुताबिक जवानों को निर्देश है कि सर्च ऑपरेशन पर निकले तो मुख्य सड़क से ना जाएं। सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल के अंदर पगडंडियों से जाएं। पैदल चले, वाहनों में जा रहे हैं तो उनके बीच एक उचित दूरी बनाकर चले। चार पहिया वाहन की जगह दो पहिया वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ को बने 23 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी नक्सलवाद प्रदेश के लिए नासूर बना हुआ है। हालांकि देश में और भी राज्य हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश जैसे भी राज्य हैं जिन्होंने एक ठोस प्लानिंग के साथ इस पर काबू पा लिया। दरअसल आंध्र प्रदेश में नक्सलियों के खात्मे के लिए 1989 में ऑपरेशन ग्रे हाउंड लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन को आईपीएस केएस व्यास ने लीड किया था। ऑपरेशन के तहत आंध्र में कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। 1990 में आंध्र प्रदेश के 23 में 21 जिले नक्सल प्रभावित थे। नक्सलियों के अंत के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। ग्रे हाउंड्स कमांडो बनाकर नक्सलियों पर अटैक किया गया। स्थानीय लोगों के साथ नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर किया गया। नक्सली गुट पीपुल्स वॉर ग्रुप से बातचीत शुरू की गई। बातचीत के लिए तैयार ना होने वाले गुटों को अलग थलग किया गया। शांति में बाधा बनने वाले गुटों का खात्मा कर दिया गया। नक्सली नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या मारे गए। बचे हुए नक्सलियों को आंध्र प्रदेश से भागना पड़ा। तो आंध्र प्रदेश का मॉडल ये बता रहा है कि नक्सलवाद से मुकाबला करना नामुमकिन नहीं, बस जरूरत है ठोस प्लानिंग और दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने की। टीम न्यूज़ स्टेट।